माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का ही एक प्रेजेंटेशन पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट में इससे पहले हम क्या सीखे, एमएस वर्ड सीखे। एमएस वर्ड के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपको लेटर यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। जैसे कोई लेटर टाइपिंग करना है, बुक टाइपिंग करना है, प्रोजेक्ट टाइपिंग करना है तो किसका यूज करते हैं, एमएस वर्ड का। लेकिन आपको प्रेजेंट करना है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, स्कूल कॉलेज ऑफिस, किसी बड़े स्क्रीन पर प्रेजेंट करना है तो किसके लिए यूज करते हैं, पावर पॉइंट को। क्योंकि जो एमएस वर्ड में है उसको बड़े वर्ड में इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। क्योंकि कहीं पे जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसका टॉपिक छोटा सा होना चाहिए, बड़ा टॉपिक नहीं होता। तो ये प्रेजेंटेशन निर्माण करते हैं, इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक है, इमेज है, वन बाय वन सीखते हैं कि क्या क्या है और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला हमारा है स्लाइड। स्लाइड को तो स्लाइड क्या है, देखिए हम लोग एमएस वर्ड पे काम किए, एमएस वर्ड में पेज होता है। क्या होता है, पेज। तो पेज पर हम टाइपिंग करते हैं, इंसर्ट पेज करते हैं, टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसी के लिए पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड होता है। तो स्लाइड को कैसे यूज करना है, देखिए स्टार्ट आर प्रोग्राम्स, आर प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर क्लिक, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। ये हमारा क्या है, ये स्लाइड है। अब एमएस वर्ड में आप यूज करते हैं तो एमएस वर्ड को जब यूज करते हैं तो पेज ओपन होता है, वह यहाँ पर कर्सर दिखाई देता है, आप यहाँ से टाइप करना चालू करते हैं। अब पावर पॉइंट ओपन करते हैं, पावर पॉइंट में कर्सर कहीं आ रहे क्या, नहीं। पावर पॉइंट पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पावर पॉइंट पे लिखने के लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वर्ड आर्ट चाहिए, पिक्चर शेप चाहिए। सिंपल सा आप कर्सर से डायरेक्ट क्लिक करके नहीं लिख सकते, किसमें, स्लाइड में, स्लाइड में है ना। तो यहाँ पर सिंगल स्लाइड है, वन बाय वन स्लाइड में काम करना सिखाते हैं, कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन वही है, स्लाइड पे आप पिक्चर इंसर्ट कीजिए, टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए, ऑडियो इंसर्ट कीजिए, उसको प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रखना, शो करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हैंड आउट, प्रेजेंटेशन को सपोर्ट प्रदान करता है। प्रेजेंटेशन से पूरा अपनी एडवांस को देखो, प्रेजेंटेशन आपने पूरा बना लिए, अब उसको आप पहले से तैयारी करना चाहते हो तो पहले से तैयारी करना चाहते हो, हैंड आउट्स मतलब हाथ में आउटपुट होना चाहिए। तो कैसे होगा, आपके हाथ में आउटपुट आपके हाथ में होनी चाहिए फाइल में, ताकि कहीं प्रेजेंटेशन देने जाओ तो उससे पहले तैयारी कर सको, उसका प्रिंट निकाल कर। तो एमएस वर्ड पे हम प्रिंट निकालना सीखे हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में निकालते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका चेंज रहता है। एडवांस हैंड आउट में स्लाइड के छोटे छोटे प्रिंट एक पृष्ठ, दो, तीन या छह कर सकते हैं, वो आगे सेट बताएंगे कि एक पेज पे कितने स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि स्लाइड का साइज बड़ा रहता है, प्रिंट जो लिख लेगा, वर्ड का साइज भी बहुत बड़ा साइज रहता है, तो एक पेज पे वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है जब प्रिंट निकालना रहता है। तो दो, चार, छह अपने हिसाब से स्लाइड चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पीकर नोट्स आउटलाइन। स्पीकर नोट्स मतलब प्रवक्ता जो बोलने वाला है,
उसी के लिए नोट्स तैयार करते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में बोलना है, किसी टॉपिक के बारे में बोलना है, तो आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए रखते हैं, कुछ जानकारी के लिए नोट्स भी रखते हैं विशेष। जैसे कोई टॉपिक है, हमने प्रेजेंटेशन में टॉपिक तो डाल दिया, लेकिन उसका डिटेल हम टॉपिक में प्रेजेंटेशन में नहीं डाल रहे हैं, तो नीचे जो है स्लाइड के नीचे उसका नोट्स तैयार करते हैं, ताकि उसको बोल सकें या आपको उसकी जानकारी के लिए बाद में डिटेल्स काम आए। आउटलाइन, ये सारे फीचर्स कैसे यूज करते हैं इसको वन बाय वन सीखते हैं। तो सबसे पहले एक और देखते हैं कि पावर पॉइंट ओपन कैसे करते हैं। एक रन कमांड होता है विंडो आर, ठीक है। आप लोग एम एस वर्ड ओपन करते हो, तो एम एस वर्ड का ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? विन वर्ड है। अब उसी तरीके से पावर पॉइंट का है, तो पावर पॉइंट का शॉर्टकट की क्या होगा? विन पावर है। क्या होगा? एम एस पावर कि पावर पॉइंट? विन पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट बहुत लंबा हो गया नाम, है ना? पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पावर, ठीक है। अब पॉइंट लिखना है, लेकिन पॉइंट को सिर्फ पी एन टी लिखना है, पी एन टी, कुछ नहीं। इंटर आ गया। ये हमारा स्लाइड है, ये देखिए नीचे नोट्स है, अभी लिखे है ना नोट्स, जानकारी के लिए किसी सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा जाना। तो ये हमारा पावर पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ऑफिस बटन है, न्यू पावर पॉइंट। एम एस वर्ड में न्यू तो रहता ही है, से क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ डिजाइन बना हुआ है, क्विज, कंपैरिजन, स्टॉल, टेम्पलेट, ये देखिए इतना सारा। इसको क्लिक कीजिए, उसके बाद क्रिएट, तो देखिए कुछ बना हुआ है, प्रेजेंटेशन बने हुए हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में। ये आपके ऊपर है, ऑप्शन तो आप सीख जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपके है कि आप कितना अट्रैक्टिव और बेस्ट बना सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को। कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है, कहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को यूज करना है, देखिए है प्रेजेंटेशन बना हुआ है। एक सिंपल सा लाइन बस यूज करना, तो उसको कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से करते बनाने हैं, ये बना हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर्स को ऐड किए हैं, उसकी डिटेल्स बटन बता रहे हैं, बटरफ्लाई स्मार्ट, ठीक, बिजनेस प्रोसेस, ये सब चीज आप सिखा चुके हूँ, ऑप्शन और सिखाएंगे आगे। इन सबको यूज करके देखो, ये पूरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है, ठीक। और भी है, न्यू इंस्टॉल टेम्पलेट, ये देखिए क्विज देखना है, मैं आप लोग को क्विज में बनाना भी, शो बनाना भी बताऊंगा, जैसे केबीसी वाले जैसे इस तरीके से ना। ये आपका टेम्पल है, ये सिंपल क्वेश्चन आंसर देना है, सन देखो ट्रू या फॉल्स है, तो जो सही रहेगा उस पे इंटर करते हैं तो कलर हो गया आया, फिर इंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अब आंसर है नहीं, अब इंटर करेंगे तो आंसर आएगा, देखो आ गया, फिर इंटर, इसमें भी आंसर नहीं है, इंटर करते हैं आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी बनाना हम आपको सिखाएंगे आगे क्लास में। नेक्स्ट, अब ये चार और पांच ऑप्शन है, अब इसमें क्या होगा, जो सही है वो बचेगा, बाकी का मिट जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो इस तरीके से भी प्रेजेंट करना बताएंगे आगे क्लास में अब आपको। अब ये इंटर इंटर इंटर, ठीक। तो इसमें कुछ टेम्पलेट दिया हुआ है, ऑफिस बटन, फिर न्यू, यहाँ पर टेम्पलेट है, इंस्टॉल टेम्पलेट,
थीम्स कुछ कलर दिए हुए हैं, जैसा कलर चाहिए क्लिक कीजिए, क्रिएट कीजिए। देखिए ब्लैंक स्लाइड में कुछ डिजाइन स्लाइड आया खाली स्लाइड में, तो इंसर्ट, उसके बाद माय टेम्पलेट अगर आप बना कर रखें तब है, उसके बाद न्यू, तो हमको ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक एंड रिसेंट, उसके बाद ब्लैंक फिर क्रिएट, तो ये खाली मिल गया। अब इसको आप कैसे बनाना है, कैसे किस तरीके से यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखे, सेलेक्टेड, तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज करते हैं, आपको जिस तरीके का फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को आप चेंज कर दीजिए, ठीक। उसके बाद बी फॉर बोल्ड, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कलर चाहिए तो कलर, साइज छोटा करते हैं, इटैलिक, ठीक। कल एमएस वर्ड में सीखे थे आप लोग, वर्डपैड में भी बहुत कुछ बताए थे, अंडरलाइन, एबीसी बीच में अंडरलाइन, लेफ्ट सेंटर और राइट। लेआउट, तो सबसे पहले हम आते हैं, साइज बड़ा करना आता है आप सबको, छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज, यहाँ से फॉन्ट चेंजेस, ये किस लिए यूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लिक कीजिए, क्लियर हो गया, हाँ हुआ ना वापस। फिर आपको सेम वर्क करना है, तो बैक करने के लिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, कंट्रोल जेड दिखा रहा है क्या, अंडू ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट यहाँ पर दिया है, देखिए किनारे में क्लिक करो, ठीक। सबसे पहले न्यू स्लाइड, देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये दो स्लाइड का है, ये यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स है, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू स्लाइड, फिर स्लाइड लेआउट, तो पावर पॉइंट में देखो ये बहुत सारे विंडो एक साथ ऊपर रहता है, इसे क्लोज करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद क्लोज ऑल विंडो, सब क्लोज हो जाता है, जिसको सेव करना है उसका नो आता है। यहाँ पर तो उसका शॉर्टकट की बताया था आप लोग को, रन कमांड के लिए उसका शॉर्टकट की क्या है, विंडो आर, विंडो आर में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखना है, पावर PNT, PNT, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लाइड तो ओपन है सिंगल, और स्लाइड चाहिए तो न्यू को क्लिक कीजिए, लेकिन किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, यहाँ पर देखो दो टेक्स्ट बॉक्स का है, यहाँ पर लेते हैं इसको तो ऊपर में टाइटल लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के डिटेल का टेबल बना सकते हो, या कंप्यूटर का चार्ट बना सकते हो, मतलब रिकॉर्ड का चार्ट, ग्रोथ का, उसके ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो, कौन कौन से कंप्यूटर आता है उस तरीके से, स्मार्ट आर्ट का इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये अब इसमें पिक्चर, कंप्यूटर का नाम और कुछ पिक डाल सकते हो, यानी नीचे जो ऑप्शन दिया है उसका यूज आप कर सकते हो, पिक्चर डालना है डायरेक्ट पिक्चर डालिए, क्लिप आर्ट यूज करना है तो क्लिप आर्ट, बहुत लोग इन सब को अभी तक सीखे नहीं है, है ना, नए हैं, तो इसको भी हम आगे ऑप्शन में सिखाते हैं कि क्या है, कैसे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंटेंट है, ये देखिए डबल दिखा दिया, यानी एक फॉर्मेट है स्लाइड को, आप जरूरी नहीं इस फॉर्मेट को रखना है, डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए बॉर्डर पर, फिर डिलीट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर पे आपको डिलीट करना है, फिर ये अगर आपको नहीं चाहिए तब की बात है, लेकिन आपको अगर ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक ले लीजिए,
फिर अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आप इंसर्ट करते जाइए। ठीक है, ये हमारा न्यू स्लाइड। स्लाइड लेआउट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये ब्लैंक ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, फॉर्मेट को अब उसको चेंज करना है। चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, देखिए इतना सारा इसमें दिया हुआ है, अब इसमें से जिस ऑप्शन को क्लिक करना है उसको क्लिक कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। हुआ, अब इसी को मैं करता हूँ ब्लैंक, तो फिर खाली हो गया, समझ में आया, चेंज कर देना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्शंस क्या हैं, रीसेट, डिलीट, लेआउट। ठीक, रीसेट क्या यूज होता है, चेंजेस करने के लिए वापस। ठीक है, ये हमने लिखे, ये हम इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, देखो इसमें हमने लिखे, लिखने के बाद साइज बड़ा करते हैं, फिर बोल्ड, इटैलिक, कलर। ठीक, फिर रीसेट को क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, वापस जो टेक्स्ट बॉक्स के साथ, यानी आप जो स्लाइड के साथ मिलता है। अब हम क्या करते हैं, एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, अब इसमें लिखते हैं सेलेक्टेड, साइज बड़ा करते हैं, सेम बिफोर, बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल लेटर्स, कलर। अब यहाँ से हम रीसेट करते हैं, हुआ क्या, नहीं, जो स्लाइड के साथ, जैसे हम ये स्लाइड लेते हैं, इसके साथ जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसमें हम उसको लिखते हैं, कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, उसका रीसेट होता है। लेकिन जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो हो गया, ठीक है, लेकिन रीसेट सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के साथ वाला। स्लाइड को डिलीट करनी है, क्लिक कीजिए डिलीट, ये पूरा स्लाइड आपका डिलीट होते जाएगा, समझ में आया। वापस यहाँ पर देख सकते हैं, रीसेट, लेआउट, और क्या है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर न्यू समझ आया, लेआउट, लेआउट के बाद रीसेट, रीसेट के बाद डिलीट। डिलीट यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो। शेडो यहाँ पर आप लिखते हैं देखिए, यहाँ पर साइज बड़ा करते हैं, फिर बोल्ड, यहाँ से कैपिटल लेटर्स, कलर शेडो, तो हल्का सा शेडो दिखाई देगा ब्लैक में। सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आपको वेरी टाइट क्लोज है, लोअर्स, अपर, लूज, डिस्टेंस, वर्ड के बीच में डिस्टेंस हुआ, गेप, वेरी लूज और गेप हुआ। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट, फिर यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। तो एक स्लाइड में जैसे यहाँ पर हमने अभी फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, देखिए एक बार चेंजेस, यहाँ से चेंज शेप्स, होम, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कीजिए इस तरीके से, फिर डायरेक्ट आप लिखिए कभी भी साइज, यहाँ से आपको खींच कर बड़ा नहीं होगा, सिर्फ उसका एरिया बढ़ेगा टेक्स्ट बॉक्स का, लेकिन साइज अगर बड़ी करनी है तो सेलेक्ट करना है वर्ड को, फिर साइज बड़ा करना है। ठीक है, बिफोर बोल्ड, फिर कर, समझ में आया, अपर केस। ठीक है, तो और भी नेक्स्ट क्लास में कैसे